Tezpur, in the northeast of India, has become known all over the world. For it was here that India received the Dalai Lama after his flight from Tibet. Let me tell you about Tezpur City. Tezpur is a historical city of Assam, also one of the fastest growing city in northeast. Is shahar ko Assam ka cultural capital bhi bola jata hai. Tezpur mein ghumne ke liye bahut sare jagah hai aur main Tezpur mein sirf ek din ke liye aaya hu aur ek din mein Tezpur explore karna bahut hi mushkil hai. Phir bhi ek baar try karke dekhte hai kya hota hai. Video of 2020 from Tezpur City. पहले अच्छी तरह ready ready हो लेते, उसके बाद अच्छी तरह बात करते. तो गाइस सुबह से चाय नहीं पिया था तो यहाँ पे आकर अभी चाय पीऊँगा और कुछ खाऊँगा, उसके बाद एक्सप्लोर करने के लिए बाहर जाऊँगा. पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है. तो गाइस फिलहाल अभी मैं एक चाय और एक राजभोग खा रहा हूँ. सो हमारे होटल के पास ही था ये, सो अभी खा के हम लोग निकल जाएंगे. तो पहले खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है. हेलो गाइस, तो फिलहाल मैं अभी हूँ, फोकस नहीं ले रहा है क्या. फोकस लाइफ में भी होना चाहिए, कैमरे में भी होना चाहिए. हो गया. और लगभग मैं एक या दो महीने से वीडियोस नहीं शूट कर रहा हूँ, इसीलिए मतलब व्लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे व्लॉग्स बना, कैसे बात करना है, सब कुछ भूल गया. पब्लिक में तो कैमरा निकाल ही नहीं सकता, इतना मतलब हो गया अभी. सो नहीं, धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा, ट्रैक में आ जाएगा. नया साल मुबारक हो सबको, नया नया आइडियाज़, नया नया कॉन्टेंट बनाएंगे इस बार. तो गाइस ऑफिशियली तो तेजपुर में ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन पहले एक बार आया था एक साल पहले, जब मैं काजीरंगा गया था तो घूम के मैं तेजपुर में रुक के गया था, लेकिन मैं घूमा नहीं तेजपुर. तो ऑफिशियली फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं तेजपुर. आज मैं तेजपुर एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा. सब कुछ तो एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, जितना भी हो सके उतना करने की कोशिश करूँगा. सो तेजपुर इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट गोइंग सिटी इन आवर आसाम. फिलहाल मैं जा रहा हूँ कोल पार्क, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है. तो चल के जाते हैं वहाँ पर और वीडियो शूट करते हैं. मेरे दोस्त ने कहा था कि वहाँ पर बोटिंग भी होता है, तो जाके देखते हैं अगर बोटिंग होता है वो भी ट्राई करेंगे. वो पहले कोल पार्क जाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है. सो पहले कोल पार्क जाते हैं एंड देखते हैं क्या होता है. तो गाइस कोल पार्क जाने से पहले यहाँ पे एक गणेश मंदिर आता है, और गणेश मंदिर में और नीचे गणेश घाट है ना, नीचे तो नदी के पूरा किनारे में सामने में है. तो भैया ने बोला कि पहले यहाँ पे जाओ उसके बाद कोल पार्क जाओ. तो पहले गणेश घाट जाते हैं, उसके बाद कोल पार्क जाते हैं. थैंक यू भैया, वेलकम. सो गाइस पहले गणेश घाट जाते हैं, उसके बाद हम लोग कोल पार्क जाएंगे. सिटी में होटल लेते हैं और चल के गणेश घाट तक आते हैं. आप लोग इस पत्थर पे बैठ सकते हो और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं ले सकते हो, और क्या बोलते हैं, हाँ, और वो जो आप लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वो ब्रिज है कोलिया भूमरा ब्रिज. तो हम लोग शायद वहाँ पे भी जाएंगे थोड़ी देर बाद.
गाइस फिलहाल मैं अभी कोल पार्क पहुंच चुका हूं। तो ये कोल पार्क जो है हमारे गुवाहाटी के नेहरू पार्क से थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे बोटिंग भी होता है। मैं बोटिंग करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार किया है और बहुत बोरिंग है बोटिंग करना। सो रिवर राफ्टिंग ये सब अलग है, ये सब एडवेंचर हो गया। सो अभी मैं कोल पार्क से भी जाऊँगा। कोल पार्क से मैं जाऊँगा, कहाँ पे जाऊँगा, कनकलता पार्क जाऊँगा, तो वहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर करूँगा और कोलिया भुमरा ब्रिज के नीचे जाके भी मतलब वीडियोस बनाऊँगा। सो अभी कोल पार्क से जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये टिकट यहाँ पे 20 rupees लेता है पर पर्सन। नाइस प्लेस। तो गाइस फिलहाल मैं अभी कोलिया भुमरा ब्रिज के पास आया हूँ और मुझे आते आते रात हो गया। तो मतलब बहुत प्लान फ्लॉप हो गया अभी। मतलब एक छोटी गाड़ी में आया था, वो धीरे धीरे चला रहा था, तो आते आते अभी शाम ही हो गया, तो पूरा अंधेरा हो गया। तो गाइस फिलहाल मैं अभी हूँ कोलिया भुमरा सेतु के पास, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास बैठा हूँ। और मेरे पीछे जो आप लोग ब्रिज देख रहे हैं वो है कोलिया भुमरा सेतु। वो ब्रिज लगभग 3 kilometers लंबा ब्रिज है, बहुत ही सुंदर ब्रिज है। ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सो अभी जल्दी से जल्दी मुझे गुवाहाटी वापस भी जाना पड़ेगा। इस मंथ में जनवरी में मुझे बहुत सारा प्लान है जो अभी करना है। मुझे दिल्ली भी जाना है, मनाली भी जाना है। फेब्रुआरी 5 को मैं सिक्किम जा रहा हूँ। सो और काजीरंगा भी विजिट करूँगा। बहुत सारा प्लान है मेरे पास अभी। लेकिन अभी मेरा टाइम टेबल अगर सेट हो गया तो भाई सब जगह पे जाएंगे, अच्छे अच्छे कूल ठंडा ठंडा कूल वीडियोस बनाएंगे। लोग मुझे विश करो कि मैं ये वीडियोस बनाऊँ, ये जो 2020 है मेरा अच्छा जाए, आप लोग मेरे लिए दुआ करना। सो इतना ही बोलना था मुझे इस वीडियो में। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी करना है आप लोग को, आप लोग को पता है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते हैं क्या होता है।